सॉरी, आप कॉल कर रहे थे वो एक्चुअली मैं बिजी बहुत था। मैं देख रहा था आपकी कॉल आ रही थी लेकिन वो अटेंड कर नहीं पाया। तो एनीवे अरे फरदीन फरदीन, बैठो बेटा बैठो। बेटा तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? क्या भाई तुम्हारी आज फ्लाइट थी, तुम दोनों जा रहे थे हनीमून पे। सॉरी, एक्चुअली वो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था इसलिए मुझे बिल्कुल जहन में नहीं रहा। अजमिया के लिए टेंशन में थे ना? मेरी जिंदगी में उसके अलावा भी बहुत टेंशन है। आराम से आराम से। एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती की है, ऊपर से तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। तुम्हारी माँ सही तो कहती है, तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अच्छा, अब मैं इनके लिए पागल भी हो गया? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने तब कहा था जब जब अजमिया का मामला चल रहा था, है ना, क्योंकि आपको हमेशा से अपनी भांजी की और इनको अपनी भतीजी की फिक्र रही है। ये तो कभी फिक्र की नहीं आप लोगों ने इस तरह से, ना ही कभी मेरा ख्याल रखा, ना मेरी कोई केयर की। Enough। तुम्हारा कहने का क्या मकसद है कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया? क्या किया आपने मेरे लिए? आपने किया क्या मेरे लिए बताएं? इन सबके सामने बताएं ना, जब चुप क्यों हो गए बोले? मैं जा रही हूं यहां से। कहाँ जा रही हो बेटा? हद हो गई है ताया जान, इतनी इंसल्ट तो किसी लड़की की नहीं हुई होगी जितनी मेरी यहां हो रही है। आप ही बताएं, कोई ऐसा इंसान होगा जो अपने हनीमून पर जाना भूल जाए? मैं तुम्हें उसके लिए सॉरी कह चुका हूं। अच्छा, डू यू थिंक इट्स इनफ?